कठुआ आजकल के सभी दर्शकों को उतीन का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेहनत और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और अगर आपके दिल में सच में जज्बा है, कोई भी आपने लक्ष्य तय किया है, तो आपकी जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपके भाई बहन, सगे संबंधी, माता पिता सब आपके साथ उस मेहनत में हकदार होंगे। और आज कठुआ हलचल की टीम आपको जिस टैलेंटेड युवती से मिलाने जा रही है वो और कोई नहीं, आपके अपने कठुआ शहर की ही युवति है, जिन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में जो अभी पढ़ रहे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए आपको मिलाते हैं कुसुम लता जी से। नमस्ते कुसुम, सबसे पहले तो आपको कठुआ हलचल की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे कठुआ शहर का नाम, एक बेटी ने हमारे कठुआ शहर का नाम रोशन करवाया है जम्मू यूनिवर्सिटी में टॉप पर आना, कैसा लग रहा है? सर, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, इट्स काइंड ऑफ ड्रीम, क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करी जाती है तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यही चैलेंज फेस करते हैं कि मार्क्स की वो स्कोरिंग बहुत टाइट करी जाती है, तो इस कारण आप इतना स्कोर नहीं कर सकते, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। जी मैं आप इंटरव्यू की शुरुआत इस चीज़ से करूँगा, जैसे लोग पूछते हैं कि कौन आइडल है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कॉमर्स स्ट्रीम यही क्यों चूज़ किया आपने, आर्ट्स में थी, मेडिकल? आजकल देखा गया ना कि जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, वो ज़्यादातर मेडिकल को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो आपने क्यों कॉमर्स की स्ट्रीम चूज़ की? सर, बेसिकली मुझे कॉमर्स की इंट्रोडक्शन अपने भैया से मिली थी, वो उस टाइम MBA कर रहे थे, तो वो जब भी घर आते थे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे, जिनको देख के मैं काफ़ी अट्रैक्ट होती थी कि दिस काइंड ऑफ वर्क, जो मुझे लगा कि मैं, मुझे अच्छा लगता है करना। दूसरा, कॉमर्स हमारे डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है, जो चीज़ें हम फेस करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, दैट्स व्हाई मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया। मैं पूछना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर, मेरी स्कूलिंग बेसिकली सिंगल स्कूल से नहीं है, मिक्स्ड है, बट कॉमर्स की स्कूलिंग मैंने आर एस स्कूल से दी थी, आर एस चाबी के थे। जी, और अब आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में पढ़ रहे हैं, जी कैसा लगता है, कैसा इन्वायरमेंट है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का, और जब आपने टॉप किया है तो अब कैसे, किस तरह से बच्चे आपको कैसे मुबारकबाद दे रहे हैं, कैसे टीचर्स को कितना प्राउड फील हो रहा है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबने बहुत ज़्यादा विशेज की, सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था उसके दिन नेक्स्ट डे क्लास में हमारी HOD मैम है, सुनीता रहना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करा, प्राउड फील करवाया। एंड मोर ओवर, जो इन्वायरमेंट है GDC का, दैट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपके जो क्लासमेट्स कैसे हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं। तो जब मैं बात करूँगी अपने कलीग्स के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है अभी तक। किसी पर्सन की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, किसी की हैंड राइटिंग और किसी के पढ़ने के तरीके, तो मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीखा है मैंने, और सब अचीव करना चाहते हैं, मतलब हमारी 60 की स्ट्रेंथ है, तो 60 के 60 स्टूडेंट्स मतलब कॉम्पिटिटिव हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ना ऑटोमेटिकली आपका लेवल भी उनके हिसाब से अप होता है, तो मैं कहूँगी कि उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था, पॉजिटिव इफेक्ट है उनका। जी, काफ़ी अच्छी बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके आइडल कौन है, आपके आइडल? बेसिकली मेरे आइडल बिजनेस में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से थे, महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी जी को आप आइडल मानते हैं? काफ़ी लोग उनको आइडल मानते हैं, और जो लोग, यहाँ तक मेरी सोच है कि जो लोग उनको आइडल मानते हैं वो आज तक उन्होंने अच्छा वो काम ही हासिल किया है। अब बात करते हैं आपकी स्टडीज़ की, आपने टॉप किया। जी सर, हमें पता है कि आप आगे भी टॉप करते रहेंगे, किस तरह की प्रेपरेशंस रहती है स्टडीज़ में? बेसिकली स्टडीज़, एक तो हमारे एक बार प्रिंसिपल सर ने एक लेक्चर दिया था कि कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एंट्रेंस है, उसके लिए एक ट्रिक होती है, एक नट क्रैकर होता है कि आपको मतलब उसी हिसाब से करोगे तो आप बेटर तरीके से करोगे, स्मार्ट स्टडी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लान करना चाहिए कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम स्केड्यूल प्लान करें, देन अदर वर्क, फिर उस पर जो आपने टाइम स्केड्यूल प्लान किया है उस पर स्ट्रिक्ट रहें, उसको कभी वो नहीं करना है। और दूसरा, अपने मतलब इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट्स चूज करें फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद टाइम स्केड्यूल के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी लो हार्टेड नहीं होना है, सक्सेस एंड फेलियर चलता रहता है, क्लास में परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती रहती है, बट मोर जो मैटर करता है वो है डेडिकेशन, कि आप कितना डेडिकेटेड हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, कितना इंटरेस्टेड हो, और बिलीव रखना खुद पे, अगर आप वो करोगे तो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट। बिल्कुल, ये आपने डेडिकेशन वाली बात काफ़ी अच्छी की कि डेडिकेशन होनी चाहिए। हम देखते हैं कुछ लोग पढ़ते हैं पर डेडिकेशन नहीं दिखाते, फिर वो चाहे टीचर्स को कोसते हैं, चाहे किताबों को कोसते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स को कोसते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है बहुत ज़्यादा, अगर मैं कभी मतलब अच्छे मार्क्स लिए
तो भी उन्होंने इनकरेज करा, और अगर कभी मैंने मतलब लो मार्क्स लिए, कई कभी बार होता है कि आप सक्सेस नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत इनकरेज करा, उन्होंने हमेशा कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गो फॉर इट। जब मैंने कॉमर्स ऑप्ट करने की बात करी थी तो काफ़ी रिलेटिव्स ने कहा कि नहीं टेंथ में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आप क्यों इसको मेडिकल क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे, आप नॉन मेड क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे, आप उसको कॉमर्स में क्यों जाने दे रहे हो। बट एट दैट टाइम भी उनका फुल सपोर्ट था कि नहीं बेटा जो मन है वो करो। लेकिन पेरेंट्स ने थ्री इडियट्स मूवी तो नहीं देखी थी, उसमें भी एक काफ़ी अच्छा मैसेज था कि जो बच्चा करना चाहे तो उसको वही करना चाहिए। मेरे पापा जो हैं वो बेसिकली चाइल्डहुड से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और सिंस अभी तक उन्होंने मुझे कभी इस तीन चीज़ों में नहीं रोका, दे इज ऑलवेज कि बेटा जो मन में है वो करो, दैट्स ओके। तो दर्शकों अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कुसुम जी से करेंगे बातें कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे विशेष मुलाकात कार्यक्रम में, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कुसुम लता से, तो कुसुम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका भी स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया पेरेंट्स की सपोर्ट थी, ऐसा कोई टीचर जिसको आप इसकी सारे जितना भी क्रेडिट देना चाहेंगे, जिसने आपकी सहायता की इतना अच्छा, ये जो आपने अचीवमेंट ली है नंबर वन आए हैं आप जम्मू यूनिवर्सिटी में, उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी सिंगल पर्सन नहीं होता है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे, हर किसी का थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे ही मेरे हर टीचर ने मुझे सपोर्ट करा, बट मेन जिन कुछ मतलब मेन लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल होंगे अमित सर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन्वाइट करा कि नहीं आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, वहाँ पे वी हैव अकाउंट्स टीचर, क्योंकि कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्लासेस बेसिस पर ही सारा सिलेबस कवर करो। तो फिर अमित सर ने मेरे को मिलवाया सुनील सर से, और सुनील सर ने बहुत 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 अच्छे से अकाउंट समझाया, और इवन उनसे मैंने टैक्स की ट्यूशन भी पढ़ी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से। देन कॉलेज की मैं बात करूँ तो कॉलेज में हमारी HOD मैम श्रीमती सुनीता रैना, शी इज़ अ PhD, और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया फ्रॉम डे वन से लेकर अभी तक, इवन अभी तक वो हमेशा, अभी कभी मेरे लोज में हाई टाइम्स में हमेशा शी गाइडेड मी, और अगर मुझे कभी भी हेल्प की जरूरत होती है तो मैं उनके पास फ्रीली जा सकती हूँ, एंड शी ऑलवेज हेल्प्स मी। तो मैं इन टीचर्स को देना चाहूँगी। पेरेंट्स की बात होगी, टीचर की बात होगी, अब दोस्तों पे आते हैं। दोस्त कितना सपोर्ट करते हैं, कितना खुश होते होंगे कि ये हमारे फ्रेंड है कुसुम जिन्होंने टॉप किया है। वेल, अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो वो बहुत खुश होते हैं हमेशा, मतलब मुझे इनकरेजमेंट देते हैं कि नहीं हाँ तुम्हें इससे बेटर करना है, और इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे हैं कि अगर मुझे कुछ देर के लिए केयरलेस होते देखेंगे तो उसी टाइम मुझे टोकते भी हैं कि नहीं तुम्हें केयरलेस नहीं होना है, यू जस्ट गो बैक टू योर ट्रैक, नहीं मतलब तुम्हें कुछ करना है लाइफ में। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत मोटिवेटिंग हैं, मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कुसुम मैं पूछना चाहूँगा अब आपसे कुछ हट के सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने देखा है कि बेटियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, गौरतलब है कि आज के ज़माने में बेटियाँ हर जगह है, जैसे तो अब आप भी हमारी एक एग्जाम्पल बन गई कठुआ शहर के लिए, जैसे हम कल्पना चावला जी का नाम लेते हैं, और भी कई हस्ती हैं, अगर हमारे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री एक बेटी हो सकती है, एक महिला हो सकती है, तो फिर किसी भी फील्ड में बेटी क्यों नहीं आगे आ सकती? तो देखा गया है कि बेटियों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको पीछे किया जाता, नहीं आप नहीं पढ़ोगे, बेटा ही पढ़ेगा, बेटा ही घर के लिए कमा के लाएगा, तो बेटियों को नहीं पढ़ने दिया जाता, इस पर क्या बोलेंगे? वेल, अभी तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है कि मतलब पेरेंट्स इक्वली सपोर्ट दे रहे हैं गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, बट कुछ कहीं हाँ अभी भी हैं कुछ फैमिलीज जो समझती हैं कि नहीं बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, वो कोई भी रीजंस होते हैं, कभी वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि दोनों के एजुकेशन को वो सपोर्ट करें, बट आई थिंक ये होना चाहिए कि बेटा हो या बेटी, उन दोनों को उनके जेंडर के बेसिस पे नहीं, उन दोनों की कैपेबिलिटी के बेसिस पे जज करना चाहिए कि कौन कितना कैलिबर किसमें है, कौन कितना मतलब अपने आप को एग्जर्ट कर रहा है उस चीज़ में, तो उसके बेसिस पे उनको जजमेंट देकर फिर चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, जो अच्छा कर रहा है उसे सपोर्ट देना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों एक समान है। वही हम देखते हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लाई है, काफ़ी ज़्यादा उससे सहयोग मिल रहा है बेटियों को। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी मानसिकता वैसी नहीं है, वो शायद समाज के उन कुरीतियों के कारण अपनी बेटियों को आगे पढ़ने नहीं देते। अब बात करूँगा आपसे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस, अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चे काफ़ी जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उन्हें भी हो रहा होगा कि कैसे कुसुम लता ने इतनी अच्छी प्रेपरेशन की और जम्मू यूनिवर्सिटी में टॉप किया, कठुआ शहर का नाम रोशन किया। आपका किस तरह का पढ़ने का शेड्यूल था? मैं जिस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लानिंग पे होता है कि आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करो, एंड मोर ओवर टाइमिंग से ज़्यादा मेरा सिलेबस कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि मैं सिलेबस को किस तरह से,
तो अगर बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की करी जाए तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि उनको बार बार प्रैक्टिस करें, जितना बार प्रैक्टिस करूँगी उतना अच्छा है. एंड सेकेंड थिंग, कितना आपको आता है ये मैटर नहीं करता, आप उस एग्ज़ाम में किस तरह प्रेजेंट करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए कि वो समझे. राइटिंग पे फोकस करें, देन अगर कोई टेबल ग्राफ्स या प्रॉपरली, इट मीन्स प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सच में मार्क्स इन्हेंसिंग होती है कि आप जितना आता है उसे अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो. जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी आपने टिप्स दी है. तो एग्ज़ाम स्ट्रेस, अब एग्ज़ाम स्ट्रेस पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एग्ज़ाम स्ट्रेस के लिए सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अर्ली प्रिपरेशन, कि आप पहले से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको एंड में इतना स्ट्रेस नहीं होगा. अगर आपको पता है कि मेरे से एंड में स्ट्रेस हैंडल नहीं होगा तो एटलीस्ट बी श्योर कि नहीं मुझे इतना आता है, देन उसके बाद मैं प्रिपरेशन करके इतना कर लूँगी. अगर आपको अपने, और अगर आप आपको लगता है कि लाइक आप कर लोगे स्ट्रेस, लाइक मेरे टाइप में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ती हूँ, लेकिन स्टिल उनके बारे में जैसे टीचर्स अगर क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो मैंने मतलब उनको सुनो, क्योंकि टीचर्स भी सुना रहे हैं तो कुछ वैल्यूएबल ही सुना रहे होंगे. तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके सिलेबस में बेसिकली क्या कंसेप्ट हैं, देन आप उनको थॉरली रिवाइज करोगे. एंड मेन मैं जो मैं मोर इम्फेसिस देती हूँ वो प्रेजेंटेशन पे देती हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन पे वो ध्यान दो, तो देन डेफिनेटली हो जाता है. कुसुम बताएंगे कि अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे आगे जाके? इसके बाद क्या करूँगी? बेसिकली मैं अभी करेंटली एक फेलियर फेस कर चुकी हूँ. मैंने एक एमबीए का सोचा था आगे, क्योंकि मैंने एज आई साइड कि मैं भाई से इंस्पायर्ड थी तो फिर मैंने सोचा कि आगे एमबीए करूँगी, बट मैंने कैट के लिए अप्लाई करा. कैट में भी परसेंटाइल 52.35 थी, एज ए सेल्फ स्टडी बेसिस थी बट इतनी हाई नहीं थी. ठीक है, तो उस पर फिर थोड़ा सोचा, देन अब मेरे माइंड में यही चल रहा है कि नहीं पहले कुछ टेक्निकल कोर्स करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि जो भी पहले बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले बीटेक करते हैं देन उसके बाद वो एमबीए के लिए जाते हैं. दिस मीन्स वो पहले एक स्पेशलाइजेशन अर्न करते हैं देन उसके बाद वो एमबीएस करते हैं. तो मैंने मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि मैं एक कॉमर्स में एक पहले स्पेशलाइजेशन अर्न करूँ देन उसके बाद एमबीए करूँ, क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ट्रेंड को ऑब्जर्व करना आना चाहिए. तो इसी तरह से तो दैट्स व्हाई अभी यही चल रहा है कि कॉमर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन देन एमबीए. कुसुम अब आपने एक मुकाम हासिल किया है, रैंक फर्स्ट अचीवमेंट है, अब इस मुकाम को आप बरकरार रखने के लिए अब सिक्स सेमेस्टर में उसके लिए आप क्या करेंगे? अब अपना 101% देना चाहूँगी. जो पहले मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लूपहोल्स थे, मैंने मिस्टेक्स करी, उन्हें कवर अप करना चाहूँगी और बेटर हार्डवर्क ऑब्वियस है. बिकॉज इस बार था कि हम स्टूडेंट्स में एक फोबिया बन चुका था कि नहीं 80s तो कभी क्रॉस हो ही नहीं सकते, 77 इज मैक्सिमम. अब इस बार आया है तो फॉर मी अब एक चैलेंज है कि लेट्स एक्सप्लोर कि ये लिमिट कितने तक जा सकती है. बातों बातों में मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि आपके मार्क्स आए कितने थे, आपने टॉप तो किया है रैंक फर्स्ट, आपके मार्क्स कितने थे ज़रा दर्शकों को बताएंगे? आई गॉट 406 मार्क्स आउट ऑफ 500 विच इज 81.2%. काफ़ी अच्छे मार्क्स है, काबिल तारीफ है. खैर आपकी मेहनत है वही, तभी तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बोल दिया कि अगर मेहनत करोगे कोशिश करोगे तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि फिर सभी आपको सपोर्ट करते हैं. जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं, आपके फादर सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और महात्मा गांधी आपके आइडल हैं, ब्रदर आपके डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, आपका बिल्कुल सपोर्टिंग है. तो उसी तरह से मैं भी ये कहूँगा कि जितने भी घर बैठे दर्शक देख रहे हैं ये कार्यक्रम, आप भी ज़रा कुसुम जी की तरह बनिए, उनकी तरह प्लान कीजिए स्टडीज़, जैसे वो प्लान करके सारी स्टडीज़ करती है, और एग्ज़ाम स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्ट्रेस तो लोगे तो फिर वो आप ही को लॉस होने वाला है. क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि पूरी प्लानिंग कीजिए, और ऐसा नहीं कि किताब पढ़ी कुछ समझा नहीं, तो समझो पहले समझो. अब कुसुम जाते जाते हमारे कठुआ हलचल के सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सबको जिन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट करा, इतना प्राउड फील करवा रहे हैं. दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर माई लाइफ. देन मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी ड्रीम देखते हो कुछ भी, तो जस्ट गेट स्टिक टू इट, उसके साथ डेडिकेटेड रहो, उसके साथ प्लान रहो. फेलियर्स एंड सक्सेस वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता रहता है. जस्ट अपना हार्डवर्क करना मत छोड़ो, अपने पे ट्रस्ट करना मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. थैंक यू. तो दर्शकों ये थे हमारे कठुआ शहर की होनहार युवती
कुसुम लता, जिन्होंने अपने बारे में बताया है यम यूनिवर्सिटी में इन्होंने टॉप किया है, किस तरह से टॉप किया है, किस तरह की इनकी स्टडी की प्रेपरेशन थी, सारा इन्होंने हमें विस्तार में बताया। और हम भी कठुआ हाई स्कूल की टीम भी आप सबसे यही कहेंगी कि अपने अंदर जो भी आपका लक्ष्य है उसको पार करने के लिए आगे आओ। जैसे कुसुम ने बताया कि ड्रीम जो है उस पर पूरी डेडिकेशन दिखानी चाहिए, ये नहीं कि अगर फेलियर आता है, जैसे उन्होंने भी बताया कि उनको कैट में फेलियर मिला है, बट स्टिल वो अभी भी प्रेपरेशंस कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। अंत में कठुआ हाई स्कूल की टीम कुसुम लता को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती है और यही आशा करती है कि हमारे कठुआ शहर के और भी बच्चे कठुआ शहर का नाम रोशन इसी तरह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने दोस्त उतीन और कैमरामैन मुनीश खजूरिया को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।